आज एक नई जिंदगी में ऐसी लड़की के साथ करेंगे मुलाकात जिसने अपने जीवन में भय पर पाई आजादी। मिलेंगे एक ऐसी विधवा औरत के साथ जिसकी पानी की समस्या दूर की सीबीएन फाउंडेशन ने। आपके लिए करेंगे प्रार्थना और आपके लिए एक खास गीत। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। मम भारत जयते। नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आप बहुत प्रेरणा पाएंगे और परमेश्वर के करीब आएंगे। और आज आप इस प्रोग्राम के द्वारा सीख सकेंगे कि कैसे आप अपने जीवन के भय से मुक्त हो सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसी लड़की के साथ मिलाने जा रहे हैं जो डर में अपनी जीवन को व्यतीत कर रही थी। डर इतना कि एग्जाम से पहले ही उसे कुछ हो जाता था और हर बात का डर। देखा जाए तो इंसान के जीवन में किसी ना किसी तरह का भय तो रहता ही है। किसी को रिजेक्शन का डर, तो किसी को नौकरी खो जाने का डर, किसी को ये डर कि पता नहीं घर वाले क्या कहेंगे, तो किसी को पैसे का डर। हर चीज़ में भय तो होता ही है, लेकिन इस लड़की के जीवन में कुछ अलग ही डर था। क्या ये लड़की स्नेहा अपने जीवन के डर से मुक्त हो सकती है? आइए देखते हैं इस कहानी को जो आपके लिए लेकर आए हैं हमारे प्रोड्यूसर अशोक कुमार। मैं बचपन से पढ़ने में बहुत अच्छी थी और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, टेंथ में पहुंची, ठीक ही था सब कुछ। पर जब मैं ट्वेल्थ में पहुंची तो मैं बहुत बीमार रहने लगी। मेरे साथ अचानक से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होने लगी जो कभी नहीं हुई थी। मैं सब कुछ भूल जाती थी, जो भी पढ़ती थी। एग्ज़ाम में जाके बैठती थी तो लिखने के लिए कुछ याद नहीं आता था। जो भी थोड़ा बहुत पढ़ती थी वो पढ़ती थी, वरना मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाती थी ठीक से, क्योंकि मैं इतनी बीमार रहती थी। मुझे सीवियर हेडेक रहता था। मैंने सब अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट लिया बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि रिपोर्ट्स में कुछ आता ही नहीं था। MRI तक हुआ मेरा, वो भी नॉर्मल, उसमें भी कुछ नहीं था। डॉक्टर्स इवन परेशान थे कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो ये पेन ठीक ही नहीं हो रहा। और वो कंटिन्यूस पेन होता था, उसका कोई रिलीफ नहीं था। पेन किलर्स खा के भी मुझे कोई आराम नहीं पड़ता था। जैसे तैसे मैंने अपना 12th कंप्लीट किया और उसके बाद मैं अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए कोशिश करने लगी। मैं हमेशा से एक इंजीनियर बनना चाहती थी, पर इन प्रॉब्लम्स को देखकर मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं आगे कुछ लाइफ में कर पाऊँगी। मैं बहुत डिप्रेस रहने लगी, मेरा मोरल एकदम ख़त्म होता जा रहा था। इसी दौरान मेरे पापा रिटायर हुए और हम अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। जब हम अपने नए घर में आए तो हमारे घर के पड़ोस में एक लड़की थी जिनसे मेरी बातचीत होने लगी, और वो प्रभु यीशु को मानती थी, उनके पीछे चलती थी। तो ऐसे ही एक दिन हम शाम को घूम रहे थे और उनका एक दोस्त राहुल, जिसका नाम है, वो उनके पास आया और उनके थ्रू मेरी उससे बातचीत हुई और हम लोग फ्रेंड्स बन गए। इन्हीं सब बातों के दौरान मेरे एग्ज़ाम्स आ गए और मैं वही परेशानियों में उलझी हुई, परेशान रहने लगी। तो उन लोगों ने देखकर मुझसे पूछा कि क्या बात है, क्यों इतनी परेशान हो? तो मैंने उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताई कि मेरे साथ ऐसे ऐसे कुछ टाइम से प्रॉब्लम्स चल रही हैं जो मेरे लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं नहीं लड़ पा रही हूँ उन चीज़ों से, मेरे एग्ज़ाम्स ख़राब हो रहे हैं, मेरी स्टडीज स्पॉइल होती जा रही हैं। तो जब राहुल ने मेरी ये प्रॉब्लम सुनी तो उन्होंने मुझे प्रभु यीशु के बारे में बताया कि प्रभु यीशु कितने सामर्थी हैं और वो हमारे जीवन में क्या क्या कर सकते हैं। और जब उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। मैंने इतना हल्का महसूस किया अपने आप को, जो पिछले कई सालों में मैं नहीं कर पाई थी। मैं जिस बोझ में थी, जिस डिप्रेशन में थी, मैं उससे बाहर निकलते हुए खुद को देख रही थी। मेरी सारी टेंशन्स एक पल के लिए मानो गायब ही हो गई थी सब की सब। और मेरे अंदर एक नया मोटिवेशन आया कि मैं जाऊं घर पे और पढ़ाई करूं फिर से। और ऐसा ही हुआ, मैं घर गई और मैंने पढ़ना शुरू किया। और अगले दिन मेरा जब एग्ज़ाम था तो मैं जो भी पढ़ के गई थी मैं कुछ भी नहीं भूली, मुझे सब कुछ याद था। मुझे जो आता था मैंने सब पेपर में लिखा और मैं घर आ गई।
पर मुझे कोई खास उम्मीद नहीं थी क्योंकि मेरा जो विश्वास था वो बहुत डगमगा चुका था खुद पे से। मैंने सोचा पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं अपना रिजल्ट देख के एकदम हैरान हो गई और मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था क्योंकि मैंने ऐसा चेंज देखा था जो पिछले कई सालों में नहीं देखा। मैंने इतनी मेहनत की पर कभी मेरे को कोई अच्छा रिजल्ट सामने नहीं आया। पर वही मेहनत आज प्रार्थनाओं के बाद इतना अच्छा रिजल्ट लेकर आई जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी उम्मीद से बिल्कुल परे था ये बदलाव और इसे देखकर मैं इतनी खुश थी कि मेरा सारा डिप्रेशन सब कुछ ख़त्म हो गया और मैं प्रभु यीशु पे अपने विश्वास को बढ़ते हुए देख रही थी। जब मैंने अपनी लाइफ में इन चेंजेस को होते हुए देखा तो मैं जान गई कि प्रभु यीशु एक सामर्थ्य परमेश्वर है। पर मेरे दिल में बहुत सारे सवाल थे। प्रभु यीशु को जानना चाहती थी, उनको पहचानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या है जो वो इतने सामर्थ्य हैं और हमारी हर प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। राहुल ने मेरी इसमें बहुत मदद की। उन्होंने मुझे इंटरनेट के थ्रू, बुक्स के थ्रू प्रभु यीशु के बारे में बहुत सारी चीज़ें दिखाई बताई जिनको देखकर और पढ़कर मैं जान पाई और मेरा विश्वास बढ़ने लगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मैं पढ़ाई भी अच्छे से कर पा रही थी, प्रभु यीशु को जान भी पा रही थी। पर एक अलग सी प्रॉब्लम मेरे सामने आई उन दिनों। मैं जब सोती थी तो अजीब से सपने देखती थी और बहुत डर जाती थी। इतना डर जाती थी कि मैं चिल्ला पड़ती थी। तब राहुल ने मुझे बताया कि मैं भी प्रार्थना कर सकती हूँ प्रभु यीशु से। तब मैंने खुद से प्रभु यीशु से प्रार्थना करना शुरू किया और मैंने अपने रिजल्ट्स को बहुत अच्छा पाया। मेरे सारे एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से हुए और मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया और मेरी बीटेक 74% के साथ क्लियर हुई। और वही राहुल जिन्होंने मुझे प्रभु यीशु के बारे में बताया था वो आज मेरे जीवन साथी हैं और उनके साथ मैं एक बहुत अच्छा जीवन जी रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरे जीवन में प्रभु यीशु ने कार्य किया वैसे और लोगों का भी जीवन बदले। डरो मत। दोस्तों, अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में अलग अलग परिस्थितियों का जब हम सामना करते हैं तो हम डर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास आएं, उस पे भरोसा करें। डर का विपरीत शब्द है विश्वास। डर भी होता है हमारे अंदर और कभी विश्वास भी होता है। अब हमारी ज़िंदगी में हम इन दोनों के साथ कैसे जी सकते हैं? राजा दाऊद की कहानी को हम देखते हैं। वो राजा है, यानी कि पूरे नियंत्रण में है। ही इज़ इन कंट्रोल ऑफ द होल किंगडम। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कितनी बार राजा दाऊद के अंदर डर आ जाता है। और हर बार जब राजा दाऊद के अंदर डर आता है, हम भजनों में देखते हैं लिखा है कि राजा दाऊद किस तरह उस डर का सामना करता है। भजन संहिता 23 में ये लिखा है, इवन दो इफ आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ आई विल फियर नो ईविल। अगर मैं घोर तराई से भी गुजरूं मैं डरूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर है। एक और भजन में दाऊद कहता है, मैंने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना। एक और भजन में दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरी रोशनी है, मेरा उद्धार है, मेरा मजबूत गढ़ है, मैं किसी से नहीं डरूंगा। दोस्तों, इससे हम क्या सीखते हैं? जब डर के विचार हमारे अंदर आते हैं उस समय हमें उन विचारों को बदल कर परमेश्वर के वचन या परमेश्वर के बारे में सोचना चाहिए, तब हमारे अंदर विश्वास आता है। राजा दाऊद जब डरता था परमेश्वर को पुकारता था। आप भी अपने डर वाली परिस्थिति में मजबूत हो सकते हैं अगर आप परमेश्वर के वचन पे गौर करें और आप परमेश्वर के करीब आएं, तब विश्वास आता है और डर चला जाता है। आइए इस वचन को हम देखें। यशाया 41:10, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। इस वचन में भी परमेश्वर यही प्रोत्साहन दे रहा है कि उस पर भरोसा करो, तुम नहीं डरोगे।
अगर आज आप किसी भय के अंदर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और चाहते हैं कि कोई आपके लिए प्रार्थना करे, तो इसी समय आपके स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉल करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर आपको निडर बना दे। हम दूसरों को क्षमा करने में आपकी मदद करेंगे। हम आपको लत के चंगुल से निकलने में सहायता करेंगे। हम आपके वैवाहिक जीवन को बहाल करने में मदद करेंगे। हम आपकी सहायता बीमारियों से जूझने में करेंगे। हम आपको स्वीकार्यता दिलाने में भी मदद करेंगे। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमें 0124-4286-777 पर कॉल करें या 99104-010-10 पर SMS करें। अब समय आ गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाएगा, हम मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। क्या आपने हमारे CBN फाउंडेशन का फेसबुक पेज देखा है? वहां पर आपको मिलेगा CBN फाउंडेशन के कार्यों को नजदीकी से जानने का मौका, बहुत सी प्रोत्साहित करने वाली कहानियां, मधुर गीत और कई प्रेरणादायक बातें। CBN फाउंडेशन पेज को आज ही जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ये महिला बहुत ही मेहनतकश महिला है। बहुत मेहनत करने के बाद में, मजदूरी करने के बाद में अपने बच्चों के लिए पीने का पानी भी मुहैया करवाना इसके लिए बहुत मुश्किल सी बात थी, लेकिन CBN फाउंडेशन की मदद की वजह से इसका जीवन हो पाया बेहतर। आखिर ऐसा क्या किया CBN फाउंडेशन ने इस परिवार के जीवन में कि इनका जीवन बेहतर हो सका, आइए देखते हैं इस प्रस्तुति में। मेरे पति एक रोग के कारण गुजर गए। एक वर्ष बाद मेरी बेटी भी मर गई। कुछ वर्ष पहले अनसूर्या अपने पति को अचानक बीमारी के कारण खो बैठी। तब से वो अपने दो बच्चों की परवरिश करने में संघर्ष कर रही है। उसके बाद मेरे पास काम करने का कोई मौका न रहा। मुझे भीख मांगकर अपने बच्चों का पेट पालना पड़ता था। बड़ी मुश्किल से मुझे एक नौकरी मिली, नाली साफ करने का काम। अनसूर्या बड़ी मेहनत से अपना काम करती है, पर अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए और समय पर काम पर पहुंचने के लिए संघर्ष करती हैं। पानी भरकर लाने में उसका सुबह का समय काफी नष्ट होता है। मैं दूर से पानी भरकर लाती हूं और जब तक मैं अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती हूं, उन्हें देर हो जाती है। शिक्षक मेरे बच्चों पर नाराज होता है और उन्हें वापस घर भेज देता है। मेरा सुपरवाइजर भी काम पर देर से पहुँचने के लिए फटकारता है। कई बार वो मुझसे कह चुका है कि उसे मेरी जरूरत नहीं है। कई बार मुझे अपने सुपरवाइजर के आगे हाथ जोड़कर कहना पड़ता है, मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे काम करके अपने बच्चों का पेट पालना है, नहीं तो हमें कौन खिलाएगा। गांव के मुखिया नारायणा ने देखा कि उसके गांव वासी पानी के स्रोत के न होने से पीड़ित हैं, तो उसने ये बात एक स्थानीय पास्टर को बताई, जिन्होंने CBN फाउंडेशन की क्लीन वाटर टीम से सहायता के लिए संपर्क किया। मैं पास्टर से मिला और उन्हें बताया कि हमारे यहाँ पानी की समस्या है और एक बोरवेल की उनके आगे हमने अर्जी रखी और पास्टर इस बात को मान गए। और बाद में पास्टर ने बताया कि वे एक बोरवेल हमें उपलब्ध करवाएंगे, तो इससे हम बड़े खुश हुए। CBN फाउंडेशन की क्लीन वाटर टीम ने एक स्वच्छ पानी का बोरवेल खुदवाया जो पूरे के पूरे अथोरनाला गांव को पानी देता है। अब अनसूर्या और उसके बच्चे खुश हैं कि वो काम या स्कूल अब देर से नहीं पहुंचते। क्योंकि आपने हमें ये बोरवेल दिया है, अब मेरे बच्चे नहा पाते हैं और समय से स्कूल जा पाते हैं। मैं भी समय पर काम पर पहुंचती हूँ। मुझे और मेरे बच्चों को अब देर से पहुंचने के लिए डांट नहीं खानी पड़ती। परमेश्वर की दया से पानी स्वच्छ और पीने के लिए सुरक्षित है। मैं उनकी बड़ी आभारी हूँ जिन्होंने हमें ये बोरवेल दिया। अभी हमने देखा कि इस परिवार की मदद CBN फाउंडेशन ने की और अब ये पीने का साफ पानी अपने लिए जुटा पाते हैं।
अगर आप भी अनसुरिया जैसे लोगों की मदद करने के लिए हमारा हाथ बटाना चाहते हैं और हमारे साथ सहभागी होना चाहते हैं या अपने योगदान को हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो देर किस बात की। आप हमारे पते को नोट कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये रही आपके लिए हमारे पते की जानकारी। CBN फाउंडेशन, पीच ट्री कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, ब्लॉक सी, सुशांत लोक 1, गुरुग्राम, दिल्ली NCR, 122-009। ऑनलाइन डोनेशन www.cbn.in। दोस्तों अब समय एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद हम आपके प्रार्थना निवेदन को पढ़ेंगे और आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। हेलो, क्या ये चालू है? हे बच्चों, क्या आपको खेल पसंद है? और क्या आपको किरदार बनाना अच्छा लगता है? और क्या आपको चीजों के बारे में जानना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है तो फिर आपको नया superbook.tv जरूर पसंद आएगा। हे बच्चों, अगर आप superbook की डीवीडी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें या दिए गए नंबर पर SMS करें। एप्स, गेम्स और जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.superbook.tv। प्रार्थना को मौका दो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस समय हम आपके प्रार्थना निवेदन को पढ़ेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज की प्रार्थना निवेदन हमें किस किस ने भेजे हैं और किन विषयों पर भेजे हैं। सबसे पहले हम टॉसमैन का ईमेल पढ़ने जा रहे हैं जो लिखते हैं कि वो 7 वर्ष के हैं और ब्रेन सेल ग्लायोमा उनके जीवन में बीमारी है और उसमें से बाहर आना चाहते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। हम टॉसमैन के लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। आइए देखते हैं कि दूसरा मैसेज कहाँ से आया है। गुरुदेव का मैसेज है और वो कहते हैं कि उनके भाई गुरदेव के लिए हम प्रार्थना करें क्योंकि जन्म से उसके अंदर फूड पाइप नहीं है, खाना उनके लिए बहुत मुश्किल है और पाइप से ही वो दूध इस समय पी रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें। हम गुरुदेव के लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और आप भी कोई बहुत ही बड़ी बीमारी का सामना कर रहे हैं तो आप यीशु मसीह के पास आइए। हम प्रार्थना करेंगे क्योंकि परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, आप इन दोनों परिस्थिति को जानते हैं। ऐसा लगता है कि ये बहुत ही भयंकर किस्म की बीमारी है प्रभु और बहुत असंभव लगता है कि ये चंगाई कैसे होगी, लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर कि तेरे नाम में सामर्थ है। विथ यू ओ गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। इसलिए हम विश्वास के साथ तेरे पास आते हैं और मांगते हैं प्रभु कि तू चंगाई लेकर आएगा, ये बुरी परिस्थिति के ऊपर तू जीतेगा। यीशु मसीह, हम तेरे नाम से मांगते हैं। हम मांगते हैं उन सब लोगों के लिए जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना कर रहे हैं प्रभु, हम मांगते हैं कि तू इनके अंदर कार्य करेगा। हम मांगते हैं कि ये तेरे पास आएंगे और विश्वास करेंगे। तेरा वचन कहता है प्रभु कि जब हमारे अंदर छोटा सा ही विश्वास हो लेकिन सच्चा विश्वास हो तो प्रभु तू सब कुछ कर सकता है, और हम इस सच्चे विश्वास के साथ तेरे पास आते हैं और मांगते हैं प्रभु आश्चर्य कर्म कर, बड़ा कार्य कर इन सब की जिंदगी में। यीशु मसीह, हम तेरे नाम से ये मांगते हैं, आमेन, आमेन। यीशु में विश्वास करते रहिए क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। असंभव को संभव करने वाला सिर्फ परमेश्वर है और प्रभु के वायदे भी हमें कुछ ऐसा ही बताते हैं। आइए देखते हैं कि प्रभु आपके और मेरे विषय में क्या कहते हैं। यर्मिया 29:11, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। प्रभु उन सब बातों को जानते हैं जो वो हमारे लिए सोचते हैं, जो वो करते हैं। और आज इस प्रोग्राम के द्वारा हमने देखा और सीखा कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन की हर बुरी परिस्थिति में से हमें बाहर निकालने की योग्यता रखते हैं।
आज हमने देखा कैसे स्नेहा अपने भय के जीवन से मुक्ति पाकर एक नई निडरता के जीवन को जी सकी और आगे बढ़ सकी। आपके जीवन के भी हर भय को, हर डर को परमेश्वर दूर कर सकते हैं। प्रभु के नाम को पुकारे, प्रभु के हाथ को थामे। दोस्तों, आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन हम आपको एक खास इवेंट पे ले चलते हैं। तो चलिए, आज हम आपको ले चलते हैं राजकोट, जहां पर सुपर बुक का एक खास मजेदार इवेंट हुआ। इस इवेंट की प्रस्तुति आप तक लेकर आए हैं हमारे प्रोड्यूसर रॉकी जॉन पीटर। आइए देखें। सुपर बुक सीरीज अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जा रही है और उसका लक्ष्य है बच्चों को आत्मविश्वास से भरना, अच्छे और बुरे की समझ देना, परमेश्वर के रास्ते पर चलाना। और इस उद्देश्य से सुपर बुक सीरीज की सफारी पहुंची राजकोट शहर के ऐतिहासिक स्कूल आईपी मिशन गर्ल्स हाई स्कूल में, जहां बच्चे सुपर बुक देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हमारी स्कूल में सुपर बुक सीरीज दिखाने इसके लिए पूरी टीम का शुक्रिया। इस फिल्म से बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा और परमेश्वर के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। सुपर बुक सीरीज देखकर बच्चों में नया जोश और नया आत्मविश्वास दिखा। सुपर बुक से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें परेशानियों का सामना लड़के करना चाहिए और किसी भी चीज से घबराना नहीं चाहिए। मुझे सुपर बुक सीरीज से ये सीखने को मिला, जब हम अपने कार्यों को सच्चा रखते हैं और परमेश्वर के नजदीक रहते हैं तो हम हमेशा विजय पाते हैं। आईपी मिशन स्कूल में सुपर बुक अपने उद्देश्य में सफल रहने के बाद निकल पड़ी एक और पढ़ाव की ओर। उम्मीद करते हैं कि सुपर बुक के इस इवेंट को आपने पसंद किया होगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा इस इवेंट को आप तक लेकर आना। दोस्तों, कल बुधवार है। हम चाहते हैं कि कल का कार्यक्रम आप जरूर देखें, क्योंकि कल हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह सीबीएन फाउंडेशन जरूरतमंदों की सेवा कर रहा है। और कल हम एक पार्टनर के साथ भी आपकी मुलाकात कराएंगे, ताकि आप उनकी कहानी को सुनकर प्रेरणा पा सकें। दोस्तों, आज का कार्यक्रम हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया। जाते जाते हम चाहेंगे कि आप इस मधुर संगीत को सुनें, इसका आनंद लें और इसके द्वारा भी परमेश्वर में बढ़ें। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू।